पकड़ो उसको जाके। खबरदार जो किसी मीडिया वाले को अंदर आने दिया। अगर वो मुजरिम ना होता तो वो यूं भागता। आप लोगों के साथ हमें भी ये भुगतना पड़ेगा। कितनी बड़ी गलती कर दी। पख्तू को गिरफ्तार। बिना वजह स्कैंडल में फंस के रह गए। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि ऐसे छोटे मोटे मामलों में पड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें दिलावर को नीचा दिखाने की पड़ी। बाबा बख्तू हमारा मुलाजिम नहीं है, हमारी साख क्यों मुतासिर होगी? क्यों मुतासिर होगी? हमारे घर में वाकया पेश आया है और हमारे दामन पर धब्बा लगा हुआ है। बख्तू मुजरिम है यह भी अभी तक साबित नहीं हुआ। बाबा सबने अपनी आंखों से देखा है। बच्चों जैसी बातें मत करो। यहां आंखों देखा कौन मानता है? यहां जो नजर आता है हकीकत में कुछ और होता है। इसी बात का तो डर है मुझे। याद हो हाँ सब ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं है। अभी तक तो मामला संभला हुआ है और किसी को हम पे शक भी नहीं हुआ। हाँ मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, नूरा और कुलसूम के गम में घुलने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने मसाइल कम है जो हम दूसरों के मसाइल को हल करते थे। आप इस हद तक गिर जाएंगे। एम्बुलेंस को फोन करो। ए पख्तू पकड़ो उसको जाके। तुम ठीक कहती हो माँ। लेकिन मैं जब भी कोई बेबस और मजबूर लड़की देखती हूँ तो मुझे बाजी नसीमा याद आ जाती है। उसका जुए में हार जाना याद आ जाता है। बेचारी नूरा याद आ जाती है। वो कर्ज उतारने को वो अपनी जान से जा रही है। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं होता। सब किस्मतों के खेल होते हैं और हम अपनी किस्मत खुद लेकर आते। मैं किस्मत का लिखा बदलना चाहती हूँ। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है मुझे। मैं कचहरी जेलों थाने और मकानदार को नहीं मुंह दिखा सकती। मेरे से नहीं है, मेरे बस में कुछ भी नहीं है। मुझे माफ कर दो। कुछ है यहाँ जल के बुझा है धुआं सा। चल के रुका मैं हूँ जहाँ है ये पुलिस वाले पागल तो नहीं हो गए? सलार का बयान लेने के लिए उसे पुलिस स्टेशन बुला रहे? क्या उनको पता नहीं कि चौधरी सलार कौन है, किसका बेटा है? उस मामूली से पुलिस ऑफिसर की इतनी हिम्मत, तो उसने मेरे बेटे का नाम लिया।
अरे हम चौधरियों का लेवल अभी इतना गिरा नहीं, और जहां तक मेरे बेटे की बात है तो बड़े बड़े घरानों की तालीम याफ्ता बच्चियां उसके पीछे पड़ी हैं, लेकिन वो किसी को घास तक नहीं डालता। और तो ये मामूली सी 2% की मुलाजमा, इसकी क्या औकात? पुलिस वालों को बोलो कि अपनी तफ्तीश यही रोके। सिर्फ अफवाहों की बुनियाद पर इस केस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। और एक बात और, ये बात मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए, समझे तुम? बाबा सर, आपका खास मुलाजिम ही आपका मुजरिम है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा कि मेरे मुलाजिम को सस्पेक्ट करार दिया, लेकिन अगर वही मुजरिम हुआ तो उसको सजा मिलेगी और उसको मैं भी नहीं बचा सकूंगा। लेकिन सर अभी कोई आपको देखिए, तफ्तीश करना पुलिस का काम है, उनको उनका काम करने दें। थैंक यू। इस सारे मामले में मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है? और बख्तू अगर मफरूर है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और इस डीएसपी की इतनी हिम्मत कि वो मेरा बयान लेगा? डीएसपी को तो मैं देख लूंगा, लेकिन मैं बहुत पहले समझ गया था कि तुम किन चक्रों में। बाप हूं तुम्हारा, तुम्हारी रग रग से वाकफियत है मुझे, मेरा बस चले तुम हैं। ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया मैंने? और कोई जोर जबरदस्ती नहीं की मैंने उसके साथ, वो खुद बात करने की कोशिश करती थी, पैसे ले चुकी है, तोहफे ले चुकी है, और वैसे भी ये सब चलता रहता है। शर्म करो, अपना मकाम देखो, हैसियत देखो। तोहफे तहायफ देने के लिए तुम्हें सिर्फ एक नौकरानी ही मिली थी? शहर में लड़कियों की कमी थी क्या? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? चुप करो नालायक जाहिल, अगर ये बात मीडिया पर फैल गई तो एक तूफान बरपा हो जाएगा। कुछ शर्म करो, हया करो। तुम्हारी बहन की शादी होने जा रही है और तुम किस किस्म की हरकतें कर रहे हो? जाहिल दलाक, गेट लॉस्ट। वो मर चुकी। नहीं, नहीं माँ, पूरा पूरा जिंदा है, मरी नहीं है। वो तकलीफ में वो मुझे मदद के लिए बुला रही है, वो बहुत तकलीफ में है, बहुत तकलीफ। जिंदा है लेकिन इस काबिल नहीं है कि कुछ बोल सके, तुम्हारी बेगुनाही साबित कर सके। तब अब भूल जाओ उसको, बस कर दो ना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती। बस ये याद रखना कि बख्तू गया था काम से और वो वापस लौट के नहीं आया। कहाँ गया, किधर गया, हमें कुछ पता नहीं है। जिंदा भी है या मर गया है हम नहीं जानते, वो हमारे लिए मर चुका है, याद रखो ये बात। मैं कोशिश करती हूँ कि दिलावर मेरे करीब आ जाए, मेरे पास रहे, उतनी अपनी कोशिश में नाकाम होती हूँ।
आहत का फोन मिलाओ। मुसलसल कॉल की है, नंबर बन जा रहा है। लगता है वो शहर में नहीं। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे अब हम? हाजी साहब की बीवी हमें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने बहुत मन्नत समाजित करके चंद दिन रहने का मौका मांगा है उससे, उसके बाद क्या करेंगे हम? तुम्हारी तो नौकरी भी खत्म हो गई है। नौकरी में नहीं, बख्तू कर रहा था। होलिया बदलने से हालात तो नहीं बदले? अभी भी तुम्हारी जिंदगी महफूज तो नहीं है? तुम ठीक कहती हो माँ, गुर्बत और मुफलसी बहुत ही बुरी चीज है। इंसान को औरत तो क्या, मर्द को मर्द नहीं रहने देती। हर जगह मुश्किल है, हर जगह मजबूरियां। इसीलिए तो मेहनत करके मैं तालीम हासिल करके हालात बदलना चाहती थी। बस यही तो चाहती थी मैं, और कुछ भी तलब नहीं किया। क्या मैं तुम्हें शक्ल से बेवकूफ लगता हूँ? आजकल के लड़के पढ़ लिख के खुद को क्या समझने लगते? ठीक है मैं देहाती हूँ, पढ़ा लिखा नहीं, मगर इतना गया गुजरा नहीं हूँ कि ये भी ना समझ सकूँ कि रातों को घर से भाग कर जाने वाली लड़की अपने बाप दादा का नाम रोशन नहीं किया करती। हम अगर अपनी बच्चियों को पढ़ने लिखने से रोकेंगे और उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी जिंदगी के फैसले करेंगे तो उनके पास क्या चारा बचता है? आखिर उनकी भी कोई मर्जी है, उनकी भी कोई सोच है। हमने तो ऐसी खुदसरी ना कभी देखी ना कभी सुनी। अरे हम तो हमेशा से एक ही बात सुनते आए हैं कि हर औरत का अरमान होता है कि उसकी वक्त पे शादी हो, बच्चे पैदा करे और घरदारी करे, बस। अब क्या घरदारी करना और घर संभालना औरत की शराफत का पैमाना रह गया खाला? ना सुनो लड़के, साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि आप लोग बख्तावर को माफ कर दें। देखा, मैं ना कहती थी ये दोनों बहन भाई मिले हुए हैं, इन्हीं दोनों ने गांव से भगाया है बख्तावर। बख्तावर भागकर नहीं गई थी बल्कि खाला शरीफा के साथ गई थी। वो बालिग है, पढ़ी लिखी है, तो उसकी तालीम भी खत्म होने को है, मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रखी है उसने। इंशाल्लाह पास करके गांव वापस आएगी, आपका सर उठाएगी, आपको सर झुकाना नहीं पड़ेगा। अगर तो तुम दुरुस्त कह रहे हो तो ठीक है, ये तो वक्त ही साबित करेगा कि उसने घर से भाग के खानदान की नाक कटवाई है या हमारी इज्जत बढ़ाई है। अगर बख्तावर की वजह से मेरे खानदान की इज्जत पर कोई हर्फ आया, उसे तो क्या तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं वादा करता हूँ बख्तावर की वजह से आप सर झुका कर नहीं बल्कि सर उठाकर फखर से गांव वालों का सामना करेंगे। की बातों में ना आए, इसी ने बगावत की पट्टियां पढ़ाई है बख्तावर को। अरे आपने इसे जाने कैसे दिया? अब ये बात तो साबित हो गई ना कि दोनों बाप बेटियों को भगाने वाला यही है। तो क्या करूं, मार दूं सबको, किस किस की जान लूंगा मैं? अल्लाह ने एक बेटा दिया था, वो भी वापस ले लिया। दूसरों की औलाद को मार के क्या मेरी औलाद वापस आ जाएगी? कुछ खौफ खुदा भी है तुझमें? सर जाए वकू पर मौजूद तमाम मुलाजमीन और मेहमानों के बयान हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं। उसके अलावा मलिक की पुरानी हवेली की मुलाजमत जमीला, उसका बयान भी इसमें शामिल है। सर हादसे से कुछ देर कबल बख्तू को नूरा से रब्ता करने की कोशिश करते देखा गया था, उससे ऐसा लगा कि जैसे शायद उन दोनों के दरमियान कोई मसला चल रहा है, और नादरा में भी सर उनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है।
और जब मलिक दिलावर के पास भी इसको चेक किया गया तो शनाख्ती कार्ड की कोई रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। घर की तलाशी लेने पर हमें वहाँ से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि जिससे बख्तू के बारे में पता लग सके। देखो, मुझे CCTV फुटेज चाहिए, सिर्फ जाए हादसे की नहीं, बख्तू के घर के रास्ते से लेकर जहाँ जहाँ की फुटेज मिल सकती है फौरन हासिल करो। राइट सर। क्या हुआ बेटे, कोई परेशानी है? घुटन महसूस हो रही है माँ, दिल पे बोझ महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अपना आप बेमानी हो, ऐसा महसूस हो रहा है। ये लो केक लाएंगे तुम्हारे लिए। इतने दिनों से खिला पिला रही हूँ, अगर मोटा हो गया तो तुम्हारी दोस्त ने इन मौके पे इनकार कर दिया फिर? ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर उसने ऐसा कुछ किया ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी इसे। तो यानी मेरा शक सही निकला, तुम हमारी शादी जबरदस्ती करवाना चाहती हो? ऐसा कुछ नहीं है, ये उसका खुद का फैसला है, और वैसे भी वो तुमसे शादी करके अपने गाँव वापस जाना चाहती है। इतनी मेहनत करके उसने एग्जाम्स दिए हैं, उसकी ज़िंदगी में यह आखिरी मरहला तो है, और उसे अच्छी तरह पता है कि मेरे भाई से ज़्यादा उसे प्यार करने वाला इंसान मिल ही नहीं सकता। ये सब तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? बहन हो तुम्हारी, पूरा यकीन है मुझे। अच्छा, और तुम्हारी दोस्त को फ़ोन क्यों बंद है? पढ़ रही होगी, तुम्हें पता तो है पढ़ाई के मामले में कोई समझौता नहीं करती। मैंने फैसला कर लिया, मैं थाने जाके बताऊंगी कि असल मुजरिम कौन है। नूरा के साथ ज्यादती हुई है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए, उसे मरता नहीं देख सकती मैं। इंसाफ? कैसा इंसाफ? कभी किसी गरीब को भी इंसाफ मिला है? इस दफा मिलेगा। नूरा बेचारी इस हालत में है कि वो किसी को कुछ नहीं बता सकती, उस वाकये की एक चश्मदीद गवाह है, और वो हूं मैं, और ये बात मैं सबको बताऊंगी। क्या कहोगी? वही जो हकीकत है, मैंने अपनी आंखों से नूरा को सलार साहब के कमरे में जाते हुए देखा था। उस बेचारी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्हीं के टेरेस से छलांग लगा दी।
ये बात सबको पता चलनी चाहिए, समेत दिलावर सर के। मैंने उनसे जो झूठ बोला, जो धोखा दिया, उसकी वो जो सजा देंगे मुझे कबूल होगी। लेकिन ये नूरा वाली बात अब किसी से नहीं छुपेगी। उस रात क्या देखा था आपने? नूरा ने आपको बताया था कि वो बख्तू से खौफजदा है? नहीं छोटे मलिक साहब, ऐसा तो नहीं लगता था, पर बख्तू बार बार नूरा से बात करने के बहाने अंदर आ रहा था और सबसे नूरा के बारे में पूछताछ भी कर रहा था, और नूरा भी उस दिन कुछ परेशान सी लग रही थी। नूरा काफी गरीब थी आपके, ने भी आपसे बात की हो बख्तू के बारे में या भी किसी और के बारे में जिससे वो खौफजदा हो? जी वो इन दिनों बहुत कुछ मुझसे छुपा रही थी, पर मैंने पता लगा लिया था कि वो किन चक्रों में पड़ी है, और वो जी बख्तू भी जान गया था, इसीलिए तो उसके पीछे पड़ा था। क्या मतलब? जी वो नूरा है ना, अपने सलार साहब है, हुरिया बीबी के छोटे भाई, वो जी उसको पसंद करने लगी थी, और जी वो सलार साहब भी उसको पसंद करता था शायद। जी मैंने उन दोनों को बात करते हुए देखा है अक्सर छुप छुप के। एक मिनट इसे रोको, जूम करो इसे। हमारा शक सही साबित हुआ, इसका मतलब है कि बख्तू भाग कर घर की तरफ गया है। इसका मतलब इसके घर वाले जानते हैं कि वो कहां पर है, और इसकी रूपोशी और घर वालों के झूठ बोलने से तो यही अंदाजा हो रहा है सर कि नूरा के साथ बख्तू ने जबरदस्ती करने की कोशिश की होगी। ये हमारे हाथ आ जाए और इससे तो हम सच उगलवा लेंगे। और हमें पता है कि हमारे हाथ कैसे आएगा सर जब हम इसके घर वालों पर हाथ डालेंगे। तुम तैयारी करो जो भाई। तुम पागल हो गए? तुम क्या समझती मलिक दिलावर सलार को पकड़वाने में तुम्हारी मदद करेगा? बहुत बड़े लोग हैं वो लोग, ऊंचे हाथ हैं उनके, अपने खानदान का नाम बचाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं वो लोग। फिर से रास्ता देख लिया हमारे घर का? पुलिस? हाँ तो हमें क्या फिक्र हो, हम क्यों डरे? हमने थोड़ी कोई जुर्म किया है। कोई बात जी फरमाइए, कोई काम है जाइए अपना काम करिए। हर बार बाहर झांकती रहती है, और आप भी चले अंदर, आप भी ज्यादा ना झांका करें। क्या लड़की को लेके आओ अंदर से? नहीं वहाँ मेरी बेटी है, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। और बीबी अभी सब पता चल जाएगा।
कुछ है यहाँ, जल के बुझा है धुआँ, चल के रुका मैं हूँ जहाँ है कुआँ। कौन हो भाई? मैं खाला शरीफा को होने वाला दामाद आहद। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम हो वो भाई। तुम्हारे ससुरालियों को तो अभी अभी पुलिस जो है वो अपना मेहमान बना के ले गई। क्यों? मेरा मतलब है मैं अभी थोड़ी देर पहले गांव से लौटा हूँ, सब खैरियत है? तुम्हारे ससुराली जहाँ होंगे वहाँ खैरियत हो सकती है। तुम्हारे साले ने कोई गुल खिलाया अपने मालकों के यहाँ, उसी वजह से वो पुलिस को मतलूब है। बस उसी की तफ्तीश के लिए ले गए हैं माँ बेटी। साला? कौन सा साला? किसका साला भाई? वक्त तो तुम्हारा साला और कौन, अव्वल नंबर का बदमाश, आवारा और लुच्चा इंसान है वो। मैं तो उस बुरी घड़ी को कोस रहा हूँ जब मैंने तरस खा के उनको ये कमरा किराए पे दिया था। लेकिन तुम तो माशाल्लाह से सुलझे हुए शरीफ इंसान लग रहे हो। तुम कहाँ फंस गए इनके चक्करों में? निकलो इनके चक्कर से, सही लोग नहीं है। मैंने तो खुद कभी आंख उठा के इनको नहीं देखा, अब किसी और लड़की के लिए देखो, मिल जाएंगे तुम्हें बहुत। ये जो थाना बनता है ना कोतवाली, इसी पे है। जाओ भाई। आगे के बारे में क्या सोचा है? मेहंदी की कब तारीख रखनी है? पहले ही बहुत बदमस्की हो चुकी है। ठीक कह रहे हैं आप, ये छोटे मोटे वाकयात की वजह से शादी का कोई भी फंक्शन डिले नहीं होना चाहिए। वैसे मैंने सारे मामलात पहले ही संभाल लिए हैं, बहुत जल्द उस वाक्य की गूंज भी थम जाएगी। आप सही कह रहे हैं बाबा। हाँ बिल्कुल, वैसे भी इस मुल्क को दिलावर और सलार जैसे नौजवान सियासतदानों की जरूरत है जो आगे चलकर ना सिर्फ इस मुल्क को बल्कि अपनी पार्टी को भी मजबूत कर सके। और तुम्हारा साथ उनके साथ रहेगा वैसे भी। एनी अपडेट ऑन द नूरा केस? हाँ, बख्तू बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। ताजा इत्तला के मुताबिक उसकी माँ और बहन को पुलिस पहले ही अपनी कस्टडी में ले चुकी है। थोड़ी देर पहले मेरे एसपी साहब से बात हो रही थी, वो कुएं की रात की सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक वो जब यहाँ से फरार हुआ था तो उसका रुख घर की जानिब था। एक सेकंड, दैट्स नॉट फेयर। अभी तक साबित नहीं हुआ कि बख्तू ही मुजरिम है, और अगर वो मुजरिम है तो उसकी घर की औरतों को इसमें घसीटना मुनासिब नहीं है। मुजरिम का साथ देने वाले भी जुर्म में शामिल होते हैं। कुड़िया उसकी घर की औरतें पर्दादार हैं। अच्छा, और वो जो बाहर की औरतों पर बुरी नजर डालता है, उनको हरास करता है, वो ठीक है? अभी तक जुर्म साबित नहीं हुआ। तो वो भी हो जाएगा जब उसकी माँ और बहन एक रात हवालात में गुजारेंगी ना, तो वो सामने आ जाएगा फौरन। कुड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है, जब एक रात हवालात में गुजारेगी ना उसकी माँ और बहन, दो दिन के अंदर अंदर बख्तू जाहिर हो जाएगा और ये भी बता देगा कि उस रात हकीकतन हुआ क्या था। एक्सक्यूज मी मैम, तुमने कितनी बार कहा है मुझे बार बार कॉल्स मत करो, पुलिस का कुछ पता नहीं है, मेरी कॉल्स टैम भी हो सकती है। कहा ना हम पे किसी को शक नहीं है, बस पुलिस ने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की है, हमारे खिलाफ कोई गवाह नहीं है। और डॉक्टर ने नूरा को जवाब दे दिया, और पख्तू हमारे लिए खतरा बन सकता है। हमें किसी भी तरह भक्तू को ढूंढ कर खत्म करना होगा। कुछ
बताया इन लोगों ने? नहीं सर, शराफत की जबान कहाँ समझ में आती है यहाँ किसी को। अभी तो महज पूछगछ की है मैंने, और भी तरीके आते हैं हमें तफ्तीश के। हम बहुत शरीफ लोग हैं, ये मेरी बेटी है जिसकी बहुत जल्दी शादी होने वाली है। हमने तो कभी जिंदगी में थाने और कचहरी की शक्ल भी नहीं देखी है। हाथ जोड़ती हूँ, जाने दे। चलो बेटी। सर, मेरी माँ का इस केस से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, उनको परेशान मत किया जाए, उनको घर जाने दे। मैं आप लोग के साथ तावन करूंगी, जो तफ्तीश करनी है मुझसे कीजिए। तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगी। हाँ, मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा। ये बख्तू के बारे में जानना चाहते हैं, आपको जो सवाल करने हैं मुझसे कीजिए। फिर बताओ कहाँ है तुम्हारा भाई? वो घर पे नहीं है, उसको मैंने बहुत पहले घर से निकाल दिया। अच्छा, तो इसका मतलब ये बात तुम अच्छी तरह जानती थी कि तुम्हारा बेटा मुजरिम है। मेरा भाई मुजरिम नहीं, सिर्फ नूरा का हमदर्द था। हमदर्द था तो भागा क्यों? भागा नहीं है वो मुझसे। जब उसने कुछ किया ही नहीं तो भागने या छुपने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है बीबी, जितना पूछा जाए सिर्फ उस बात का जवाब दो। मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा, इसलिए तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा। क्या मतलब है जरूरी नहीं समझा बताना? यानी तुम इस सब से वाकिफ थी पहले से? ये सारा खेल क्या है? बख्तावर का वहाँ भाई बनकर कौन रह रहा है? नहीं, मैं मुझे सच सच बताओ, ये चक्कर है क्या? नहीं आहत, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताती हूँ, लेकिन प्लीज तुम वादा करो कि किसी को नहीं बताओगे, क्योंकि अगर ये बात खुल गई तो बख्तावर की बहुत बदनामी होगी। और वो जहाँ काम करती थी वो लोग उस पर धोखादही का इल्ज़ाम लगाकर उसे अंदर करवा देंगे। ये बात जानती हूँ कि बख्तावर बेकसूर है। हाँ, कुछ महीनों के लिए उसे झूठ बोलकर काम करना पड़ा था, लेकिन अब बस वो ही कुछ महीने उस पर बहुत भारी पड़ रहे हैं। आंटी, वो ऐसे डेट एक्सटेंड कैसे कर सकता है? उसने हमारी राय लिए बगैर मीडिया में भी अनाउंस कर दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि हमारा क्या ताल्लुक है इस केस से। बड़े इवेंट्स पर कभी कोई ऐसी चीजें हो जाती हैं। हम अपने मुलाजिमों और मेहमानों के जिम्मेदार थोड़ी हैं। बेटा, तुम जानती तो हो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और सियासतदानों को छोटी से छोटी बात पर भी कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। असल में नूरा की हालत भी ठीक नहीं है, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। हमारी मुलाजमा को हम ही तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सके, अवाम तो हमें जिम्मेदार समझती है ना। इन हालात को देखते हुए दिलावर ने मुनासिब समझा कि शादी को थोड़ा डिले कर दिया जाए। क्या हुआ? आंटी बता रही हैं कि दिलावर ने फंक्शन डिले कर दिया है शादी का। डिले ना करें, शादी सादगी से कर ले, इसमें हर्जी क्या? हेलो जी, ओ आई एम सो रिलीव्ड। ठीक है, मुझे अपडेट करते रहना। किसका फोन था? दिलावर का, बता रहा था कि डॉक्टर्स को नूरा की रिकवरी से बहुत हाई होप्स हैं, उनको तो उसका होश में आना एक मिरेकल लगेगा। लेकिन वो होश में कैसे आ सकती है? नहीं, वो अभी होश में नहीं आई है, शी इज स्टिल अनकॉन्शियस, बट उनको लग रहा है कि वो बहुत जल्द आ जाएगी इंशाल्लाह। बस हमारी जान छूटे यार इस फजूल से केस से। जब सबको पता है कि बख्तू ने किया है तो पुलिस को और कितने सबूत चाहिए? सही। जी मलिक दिलावर साहब, कैसे हैं आप? मैंने सुना है आपने बख्तू की फैमिली को अरेस्ट कर लिया। जी, उनकी मदर और सिस्टर को थाने लाए पूछताछ के लिए। ये कौन सा तरीका है पूछताछ करने का? ये घर पे भी हो सकती थी, मेरे दफ्तर में हो जाती, लेकिन दो औरतों को इसे जबरदस्ती उठा के थाने ले आना कौन सा तरीका? देखिए मलिक साहब, हमारा इन्वेस्टिगेशन का यही तरीका होता है। फिलहाल आप उन्हें घर ड्रॉप करें इज्जत से, वरना मुझे आके बात करनी होगी। देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। इसके लिए आपको चौधरी दस्तगीर से बात करनी पड़ेगी। आप जानते हो बख्तू के हवाले से काफी सीरियस है।
जी वो नूरा है ना, अपने सलार साहब है उसको पसंद करने लगी थी, और जी वो सलार साहब भी उसको पसंद करता था शायद। जी मैंने उन दोनों को बात करते हुए देखा है अक्सर छुप छुप के। अब एटलीस्ट हमें ये पता लग जाएगा कि उसको सलार के डेरे से धक्का किसी ने नहीं दिया, वो तो खुद वहां से। सब समझ रहा हूं मैं कि अब कौन सी चाल चली जा रही है और किसको बचाया जा रहा है। मुर्शिद रे।